नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे बात कर रहे हैं बॉटुलिनम टॉक्सिन या बोटॉक्स, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है, उसके इंजेक्शन की, उसके इम्प्लीकेशंस की। बोटॉक्स के इंजेक्शन आजकल काफ़ी कॉमनली यूज़ किए जा रहे हैं मेल्स और फीमेल्स दोनों में, स्पेशली एजिंग लोगों में, जिसमें कि उम्र के साथ साथ कुछ लूज स्किन या रिंकल्स फेस पे आ जाते हैं। स्पेशली ये जो रीजन होता है आंखों के साइड में, जिसे क्रोस फीट कहते हैं, ग्लेबुलर रीजन है, फोरहेड रीजन है, या बनी लाइन्स हो या नेजो लेबल रीजन हो, मोस्टली इन रीजन्स में विथ एज कुछ स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, लूजनेस आ जाते हैं, तो हम लोग इन्हें बोटॉक्स के द्वारा कुछ समय के लिए कम कर सकते हैं। बोटॉक्स जो होता है, बॉटुलिनम टॉक्सिन बेसिकली कंपाउंड होता है, जो कि एक तरह से टॉक्सिन उसमें शब्द में आ रहा है, तो ये मसल को पैरालाइज करता है। मसल जो रहती है फेस की, उसी जगह पर जहां वो डाला जाता है, लोकली पैरालाइज करता है। इसका कोई जनरल या सिस्टमिक इफेक्ट नहीं होता है। जो बोटॉक्स की इफेक्टिवनेस रहती है, मोस्टली 6 to 8 months तक रहती है, और यदि उसे हम लोग और फिर से इफेक्ट चाहते हैं, तो उसके बाद उसको रिपीट करना रहता है। सो मल्टीपल सिटिंग लगती है, जो इफेक्ट रहता है उसका 6 से 8 महीने तक रह पाता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अगर सेकंड बार लगाते हैं, थर्ड सिटिंग करते हैं, फोर्थ सिटिंग करते हैं, तो जो ड्यूरेशन रहता है या उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, वो कम होती जाती है, और फिर उसे लंबे समय के बाद भी यूज़ किया जा सकता है विद सेम इफेक्ट्स। जो बोटॉक्स रहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधिक उम्र की महिलाएं या अधिक उम्र के लोग ही लगाते हैं, यंग लोग हैं, यदि किसी भी एज में यदि आपका रिंकल्स है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली आजकल जो यंग जनरेशन है, उसे काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, उन्हें कई बार वी शेप चेंज चाहिए रहता है, उसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर कम उम्र में भी अगर रिंकल्स आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो एज कोई इसका लिमिटेशन नहीं होता है कि किस एज में किया जाए, कोई भी पर्सन जो 18 साल से ऊपर हो, उसमें हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। कई लोग इसको कंफ्यूज करते हैं फिलर इंजेक्शन से, तो फिलर्स जो होते हैं वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं। फिलर्स मतलब कुछ सिलिकॉन बेस्ड, हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिसको इंजेक्ट किया जाता है स्किन के नीचे। विद एज या फिर कोई ट्रॉमा की वजह से, या कई बार कॉन्जेनिटल, कई बार कोई डिप्रेशन रहता है, जैसे यहाँ पर डिप्रेशन है, या आँखों के नीचे गड्ढे बन गए हैं, तो उन केसेस में हम लोग फिलर्स को यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी स्पेस जहाँ पे खालीपन है या एम्प्टीनेस है, उसे फील करने के लिए किया जाता है। सो बोटॉक्स और फिलर्स इंटायरली डिफरेंट चीज़ हैं। फिलर्स जो हैं वो भी टेम्प्ररी होते हैं, वो 10 महीने 12 महीने तक रहते हैं बॉडी में। कई बार हम लोग बोटॉक्स और फिलर्स का नाम साथ में लेते हैं, क्योंकि वो एक ही फेस में साइमल्टेनियसली यूज़ किए जाते हैं, बेहतर फेस के लुक को देने के लिए। सपोज यदि उसमें लूजनेस है इस पार्ट में, आईब्रो के ऊपर ग्लेबुलर रीजन में, तो हम लोग वहाँ बोटॉक्स डालते हैं, और नेजोलेबियल फोल्ड में डिप्रेशन आ गया, विथ एज यहाँ पर डिप्रेशन आता है या हॉलोनेस आ गई है, तो उसमें हम लोग फिलर्स डाल देते हैं। तो साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। कई बार थ्रेड लिफ्ट भी करते हैं। थ्रेड लिफ्ट मीन्स जो अगर लूज स्किन है, तो उसको टाइट करके खींचने के लिए कुछ नॉन सर्जिकल तरीका होता है फेस लिफ्ट का, वो करते हैं। तो हम लोग थ्रेड लिफ्ट प्लस फिलर्स का कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं। तो पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन रहता है कि इसमें कितना वॉल्यूम लगेगा फिलर्स का। तो आमतौर पर हम लोग एक बार में 80 यूनिट 100 यूनिट तक यूज़ करते हैं। जो बोटॉक्स का जो वायल आता है, उसमें 100 यूनिट रहता है पाउडर फॉर्म में, जिसे हम लोग कुछ सलाइन डाल के उसको सॉल्यूशन बनाते हैं। सो जो रिक्वायरमेंट थी, वो मसल के मास पे डिपेंड करती है। यदि मसल का मास ज़्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। सो मील्स में ज़्यादा लगता है। जब हमने बताया मेसेटर या जॉ मसल को अगर हमें करना है, उसकी शेप प्रॉपर देना है, तो उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। अब जैसे यदि हमें फोरहेड की हॉरिजॉन्टल लाइन को करना है, तो उसमें अराउंड 20 यूनिट का यूज़ होता है। ग्लेबुलर रीजन आँखों के दोनों बीच में जो होता है, उसमें 10 to 20 यूनिट का होगा। क्रोस फिट आँखों के साइड में, वहाँ पर 10 यूनिट के लगभग होता है। जॉ लाइन के लिए अधिक रिक्वायरमेंट रहता है, 20 to 40 यूनिट का लगता है। जो कॉस्ट रहती है, वो डिपेंड करती है कि हमें एग्जैक्टली कितना यूनिट हमने खर्च किया। रफली जो रेंज रहती है कॉस्ट की, डिपेंड ऑब्वियसली डिपेंड करता है कितना यूनिट पे, लेकिन जो रेंज रहती है अराउंड 8,000 से लेके 14,000 तक हो सकती है, कि कितने एरिया में हमें इंजेक्ट करना और कितना वॉल्यूम इंजेक्ट करना, उसके हिसाब से वो चेंज होते रहता है। अब जो प्रोसीजर रहता है, उसको करने में बहुत ही कम समय लगता है, लगभग कुछ मिनट, 2 से 3 मिनट में पूरा हो जाता है। लेकिन उसके पहले हम उस पार्ट को नम करते हैं या सुन्न करते हैं, ताकि जो इंजेक्शन लगाए वो हमें पता ना चले। तो उसमें कुछ एनेस्थेटिक एजेंट या क्रीम लगाया जाता है फेस पे उसको करने से पहले, उसके बाद हम कुछ समय वेट करते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें, तो हम लोग जस्ट एक इंजेक्शन डाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सिस्टमिक या पूरे बॉडी में कोई उसका इफेक्ट नहीं होता उस टॉक्सिन का। लोकली इफेक्ट रहता है, टेम्प्ररी रहता है कुछ महीनों तक, जो हमने बताया। थोड़ा लोकल एरिदिमा, रेडनेस हो सकता है, हल्का स्वेलिंग हो सकता है कुछ घंटों तक या 1 से 2 दिन तक।
जो इसका इफेक्ट आता है, जो विजिबल होता है इफेक्ट, उसमें आने में कम से कम 2 से 6 दिन का समय लगता है। बोटॉक्स काफ़ी सालों से यूज़ किया जा रहा है, कई दशकों से यूज़ करा जा रहा है। इसका लॉन्ग टर्म इफिकेसी और इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस अच्छी तरह हम लोगों को पता है, तो ये एक सेफ़ और इफेक्टिव दवाई है। जो सक्सेस रेट है बोटॉक्स का वो मोर देन 95% है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये इफेक्टिव रहेगा ही सही, और बिल्कुल हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, लेकिन वो हैबिट फॉर्मिंग इस तरीके से है कि जो एक बार लगाता है तो उसे लगता है कि इतना इफेक्टिवनेस आ रहा है या चेहरे में हमारा यूथफुल लुक आ रहा है, तो इस वजह से वो फिर से करवाता है, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं रहता है कि आपको उसके बाद करना ही पड़ेगा।